और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्यादा यूज करता हूँ ना, दो लीवर, तो ये मिट गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा बना दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी न हो। पूरे सिक्किन को आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, पूरे स्लाइड कर सकते हो, ये स्लाइडर के लिए होता है। तो इस लीवर को जब पीछे की तरफ करेंगे तो ये क्या होगा ना, माल ऊपर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ पुश करेंगे तो नीचे आएगा। ये तीन गियर है इसके अंदर, ठीक है, तो आप कभी भी हमेशा इसको तीन नंबर गियर में करके रखिए। और मैं बताता हूँ तीन नंबर गियर में रखेंगे तो आपको किस मूड में चलाना है। और इसमें लिखा हुआ है ए, इंग्लिश का ए, यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप मुझे पुश करोगे, मान लीजिए यहाँ पे है ये, ठीक है, तो ये पूरा मैनुअल में है। तो किसी किसी फोरक्लिफ्ट में क्या होता है, तीन टन का फोरक्लिफ्ट हो या पांच टन का हो, तो उसमें भी कहीं कहीं पे होता है चार लीवर, जैसे कि आप जितना पैसा पे करते हो। दोस्तों अगर आपको एक फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर बनना है, सीखने जाना है कहीं ट्रेनिंग के लिए, तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका लीवर होता है, किसी फोरक्लिफ्ट में चार लीवर होता है, किसी में तीन लीवर होता है, किसी में दो लीवर होता है। तो दोस्तों आज आपके सामने है 16 टन का फोरक्लिफ्ट डोसन का, और उसके बाद से दूसरा एक हम फोरक्लिफ्ट दिखाएंगे 3 टन का टोयोटा का। तो दोस्तों इसी टॉपिक बात करने वाला हूं, वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा और ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों ज्यादा आपका समय न लेंगे, सीधा एकदम मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने 1 2 3 4, इसमें चार लीवर है। तो दोस्तों आज हम इसी लीवर के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे कि ये चार लीवर किस किस चीज का होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक एक लोगो बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, एक एक लोगो बना हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्यादा यूज करता हूँ ना, दो लीवर, तो ये मिट गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा बना दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी न हो। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। एक ये हो गया, प्लस यहाँ से ये आएगा, और इसका जो लोगो जो है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं परफेक्ट बना देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि एकदम लोगो सही हो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक लीवर यहाँ पे है, ठीक है, सबसे लास्ट में आपके जो आप जब बैठते हो फोरक्लिफ्ट के सीट पे, ऑपरेटर सीट पे, सबसे लास्ट में आपको एक लीवर मिलता है, जहाँ पे देखिए एक ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे बना हुआ है, और दो ऐसे से खड़ी लाइन है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्लेट होता है ना, जो आगे का सिक्किन जो होता है, आगे का जो सिक्किन होता है, सेम उसी को इसको क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दूसरे नंबर पे, उधर से दूसरे नंबर पे आएंगे तो ये होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए खड़ा लाइन है, ठीक है, और आगे दो सिक्किन है, तो ये बता रहा है, यहाँ पे देखिए एक निशान बना हुआ है, ये बता रहा है कि अपने अपने पूरे सिक्किन को आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, पूरे स्लाइड कर सकते हो, ये स्लाइडर के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूं मैं, ये तीसरे नंबर यानी उधर से 1 2 3 नंबर, ये काम होता है, ये पिस्टन जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पिस्टन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उस पिस्टन के लिए आता है ये लीवर। इसका काम केवल होता है माल को हल्का सा उठा लेना, टर्न, यानी कि जहां पे रखा हुआ माल है उसको सिक्किन लगा के जब उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे तो वो तुरंत वहां से जगह छोड़ देगा, यानी जमीन छोड़ देगा, ठीक है ना, और उसके बाद आपके सिक्किन के ऊपर वो माल रुक जाएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद से आप जैसे कर सकते, यानी नीचे करेंगे तो फिर रख दिया जाएगा माल वहां पे, अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ सिलेंडर बाहर निकलेगा और माल नीचे चला जाएगा, ऊपर करेंगे तो वहां से माल आपके सिक्किन पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये चौथे नंबर लीवर का। तो मान लीजिएगा अगर इस लीवर से आप माल उठा लिए हैं ऐसे, मान लीजिए माल उठा लिए हैं ऐसे, ठीक है ना, तो इस लीवर का काम क्या होता है कि केवल अप और डाउन करना, ऊपर और नीचे करना। ठीक है दोस्तों, तो इस लीवर को जब पीछे की तरफ करेंगे तो ये क्या होगा ना, माल ऊपर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ पुश करेंगे तो नीचे आएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर, यानी यहाँ सब फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ आप सभी को, यहाँ से, यानी आपका ये यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये लीवर से अगर आप पुश करते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना, तो ये माल नीचे आएगा, ठीक है, सिक्की नीचे आएगा। आगे पीछे करते हैं तो ये ऊपर जाएगा। अगर दूसरे नंबर को अगर हम पीछे करते हैं तो केवल माल, मान लीजिए प्लेट है आपका, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे होगा और ऐसे होगा, बस इसका इतना ही काम होता है इस लीवर का। ठीक है, उसके बाद से तीसरा नंबर जो लीवर है यहाँ पे, ये पूरे स्लाइड को उधर करता है और इधर करता है, ठीक है ना, सिक्किन समेत। और ये जो होता है चौथा नंबर, इधर से चौथा नंबर, ठीक है, उधर से पहला और इधर से चौथा, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो सिक्किन होता है दोस्तों, मान लीजिए सिक्किन है, ये सिक्किन है मान लीजिए, तो इसको क्लोज करेगा और
ओपन करेगा, यानी बंद होगा और खुलेगा इस लीवर से। जब ये पीछे करेंगे तो बंद होगा, ठीक है, आगे करेंगे तो ये खुलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बारी आता है कि आप सभी को मैं दिखाऊं इसको स्टार्ट करके कि कैसे कैसे ये होता है। दोस्तों यहीं पे जो है कि हमारे कैमरामैन साहब थोड़ा सा यहाँ पे जूम कीजिए, दिखाइए, ठीक है ना, जब तक मैं चलाता हूँ सामने हमारा जो दूसरा कैमरा लगा हुआ है उससे दिखाई देगा। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह। जैसे हम इस लीवर को ऐसे तरफ करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ठीक। जैसे इसको नीचे करेंगे ये नीचे आ जाएगा, यानी आगे की तरफ करेंगे तो नीचे जाएगा, ठीक है। एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे आप इसको पीछे की तरफ करते हैं तो ऊपर जाएगा सिक्किम, जैसे इसको आप नीचे आगे की तरफ धकेलते हैं तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे कि थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब ये दूसरा हमारा जो लीवर है इसका काम है दोस्तों, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये केवल ऐसे एक ही जगह टर्न होगा, देखिए, ठीक है। फिर एक ही जगह इसे आप आगे तरफ करेंगे तो एक ही जगह ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका काम होता है केवल माल को जगह से हटाना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो चौथा नंबर लीवर, जो मैं बोला था स्लाइड इधर और इधर जाता है, ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये स्लाइड के लिए होता है, ठीक है, पूरा एकदम स्लाइड हो जाएगा, यहां से लेके वहां तक स्लाइड हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। इसका यही सिस्टम होता है। अब मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है, समझ गया ना, यानी आगे की तरफ करेंगे तो आपके लेफ्ट जाएगा, पीछे की तरफ करेंगे तो राइट आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ चौथे नंबर लीवर का, ठीक है। ये मैं बताया हूँ ना, सिक्किम को ओपन और क्लोज करने के लिए होता है। जैसे आप इसको अभी क्लोज में है, क्लोज पोजिंग में है, अगर आप इसको आगे तरफ पुश करते हैं देखिए तो ये सब खुलता है, ऐसे खुलते जाएगा, पूरा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा पूरा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ करते हैं तो ये क्लोज भी होगा, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे क्लोज हो जाता है दोस्तों, ठीक है, देखिए ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये और ये लीवर सबसे ज्यादा इस दोनों लीवर का काम पड़ता है, ठीक है ना। देखिए मैं जब चलाता हूँ तो ऐसे चलाता हूँ, इसलिए कि मुझे आदत है चलाने का, ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा ऐसे चलाता हूँ, ठीक है। बहुत लोग होते हैं एक एक लेके चलाते हैं, वो भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपके पास तो आप दोनों से काम कर सकते हैं एक ही बार, ठीक है। देखिए हल्का सा बस हाथ का मूव होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने आपको बताया है 1 2 3 4 लीवर के बारे में ये आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब मैं ये तो रहा 16 टन का फोरक्लिप, उसके लीवर का सिस्टम हो गया, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताता हूं, ये जो यहां पे 2 लीवर होता है, ठीक है, ये निगेटर का होता है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो निगेटर चलेगा इस साइड का, यानी लेफ्ट साइड का, आपके बाएं साइड का। अगर बीच में कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अगर इधर करेंगे तो क्या नाम है, दाहिने साइड का, यानी आपका राइट साइड जो साइड है उधर का निगेटर चलेगा, ठीक है। और जस्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक लीवर दिखता होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक लीवर दिखता होगा, ये दोस्तों ये अभी न्यूट्रल में है। अगर आप आगे तरफ करेंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है ना, आगे जाएगा, और जस्ट इसको पीछे कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर यहां से पीछे करते हैं आप इसको पूरा तो ये पीछे की तरफ जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, ये जो देखिए देखिए अभी 1 नंबर में है ये, और देखिए 2 3, ठीक है ना, ये 3 गियर है इसके अंदर, ठीक है। तो आप कभी भी हमेशा इसको 3 नंबर गियर में करके रखिए, और मैं बताता हूँ 3 नंबर गियर में रखेंगे तो आपको किस मूड में चलाना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा, ठीक है, मैं आपसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक गियर नुमा बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक गियर नुमा बना हुआ है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है ए, इंग्लिश का ए, यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप मुझे पुश करोगे, मान लीजिए यहाँ पे है ये, ठीक है, तो ये पूरा मैनुअल में है, इसमें मैनुअल में है। अगर आप हमको हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे ना हल्का सा एक बार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, हाफ ऑटो हो जाएगा, हाफ ऑटो। जैसे कि आप जाते हो खाना खाने होटल में तो क्या बोलते हो, भाई वो खाना चाहिए बिरयानी, तो बोलता है फुल प्लेट की हाफ प्लेट, आप बोलते हो हाफ प्लेट, ठीक है, तो ये हाफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से अगर आपको फुल चाहिए तो आप इसको फुल एक बार और दबा दो, ये पूरा पुश हो गया, यानी 1 2, ठीक है, आप आवाज भी सुन सकते हैं, 1 2, अगर ये पूरा फुल रहेगा तो इसमें क्या होता है ना कि आप फुल ऑटो पे चला सकते हो, बड़ा मजा आता है तुम चलाने पे, ठीक है ना, बिल्कुल झटका नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया 4 लीवर का जो सिस्टम था, ये मैंने आपको बता दिया, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 3 टन फोरक्लिप जो मेरा था,
यहीं पे भी लगा हुआ था पीछे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो फोरक्लिप कहीं चला गया, लेकिन कहीं बाहर चला गया लोग, वरना मैं दिखाता जरूर मैं, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो मैंने बोला है कि आप सभी को मैं 3 टन फोरक्लिप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आप सभी को मैं 2 फोरक्लिप के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एक 16 टन का फोरक्लिप है जो डोसन का, उसमें 4 लीवर है, तो जो भी मैंने आपने जो वीडियो देखा है जो मैंने बताया है, ठीक एक तो हो गया, लेकिन 3 टन का फोरक्लिप अभी यहाँ पे खड़ा था, लेकिन किसने लेके चला गया है उसको, हमारी कंपनी कोई ले गया होगा खाना वाना लाने के लिए, इसलिए लंच का टाइम हुआ है तो इसीलिए लोग थोड़ा सा लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसीलिए। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया है मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे सेम इसमें है ना, तो किसी किसी फोरक्लिप में क्या होता है, 3 टन का फोरक्लिप हो या 5 टन का हो, तो उसमें भी कहीं कहीं पर होता है 4 लीवर। जैसे कि आप जितना पैसा पे करते हो कंपनी को कि हमें एक फोरक्लिप चाहिए, उसमें 4 लीवर होना चाहिए, ठीक है, स्लाइड के लिए, सिकिन खोलने के लिए और प्लस ऊपर नीचे माल लोडिंग करने के लिए। तो जितना पैसा पे करोगे उसी हिसाब से आपने जो ऑर्डर दोगे वही सामान आपके सामने पेश होगा, ठीक है। बहुत सारा फोरक्लिप में होता है 3 लीवर, तो उसमें क्या होता है ना कि किसी में क्या होता है 3 लीवर जिसमें होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो है कि ऊपर नीचे का होता है बस, और टर्न अप के लिए होता है, ठीक है ना, टर्निंग के लिए होता है, और एक होता है अप डाउन के लिए, ठीक, ये 2 हो गया। और तीसरा जो लीवर होता है वो कहीं कहीं पर लोग क्या करते हैं ना कि उसको सेटिंग कराते हैं सिक्किम में, ताकि हम बार बार नीचे ना उतरे। आप देखे होंगे कि बार बार लोग नीचे उतरते हैं और उसका लॉक हटा के और पैर से उसको झटकाते हैं, फिर लॉक लगाते हैं। तो वो बहुत लोगों का क्या सिस्टम होता है कि जहाँ पे काम ज्यादा है तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि पैसा पे करवा के, और उसमें यानी कि 2 तो रहता है, एक और एड करवाते हैं लीवर, और उसमें सिस्टम बनवा लेते हैं क्या, सिकिन वाला, सिकिन को क्लोज करना और ओपन करना, यानी बंद करना और खोलना, वो उनका काम हो जाता है। कहीं कहीं पर जो 4 बता रहा हूँ सेम यही प्रोसीजर होता है, और कोई नहीं होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आके अपना राय बताएं कि मिराज भाई ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है, या जैसे भी लगा है आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक मुझसे पूछिए, सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए वीडियो के माध्यम से तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार भी रहूंगा। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।